हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। आज हम बनाने वाले हैं इस वीडियो में डंगरी। ये आप स्मॉल साइज में भी बेबीज के लिए बना सकते हैं, इवन बड़े साइज में भी बना सकते हैं। इसके लिए ये जो फैब्रिक लिया है वो मैंने 2 मीटर लिया हुआ है। ये थोड़ा सा मोटा सा फैब्रिक लिया है मैंने डंगरी बनाने के लिए। तो चलिए अब इसे बनाना शुरू करते हैं। ये देखिए, फैब्रिक को मैंने सिर्फ 2 फोल्ड किया हुआ है। ये फोल्ड की ब्रॉडनेस मैं आपको दिखा रही हूँ, ये 24 इंचेस की ली है। चलिए अब देखते हैं कि 24 इंच लिया कैसे। तो मुझे एक्चुअली मेरी साइज़ के हिसाब से चाहिए है 19 इंचेस। मुझे 19 इंचेस की साइज़ है, प्लस 2 इंच स्विंग अलाउंस के लिया तो हो गया 21 इंचेस। अब इस डंगरी में मैं बीच में बटन लगाने वाली हूँ, तो मुझे एक्स्ट्रा 3 इंचेस चाहिए हैं उसके लिए। इसलिए प्लस 21 में 3 इंच करेंगे तो हो गया 24 इंचेस। इसलिए मैंने इसकी ब्रॉडनेस 24 इंचेस ली है स्विंग अलाउंस और बटन लगाने के साथ। अब देखिए, टोटल डंगरी की लेंथ मेरी 35 इंचेस है। 5 इंच का तो बेल्ट आएगा ऊपर, बाकी की लेंथ हुई 30 इंचेस। तो मैं 30 इंच पे पहले मार्क कर देती हूँ। ये देखिए, हो गई लेंथ 30 इंचेस की। अब 2 इंच का स्विंग अलाउंस ऐड करते हैं, हो गया 32। तो ये रही मेरी लेंथ 32 इंचेस की। इस पर मैंने मार्क कर दिया है, यह है मेरी 32 इंचेस की लेंथ। अब देखिए, ऊपर से 14 इंच के बाद मेरा स्कर्ट शुरू होगा, तो ये मैंने 14 इंच पे मार्क कर दिया। अब ये जो नीचे वाला हिस्सा होगा वो मेरा पूरा स्कर्ट का पार्ट होगा। तो देखिए, ये 2 मार्किंग हो गई है हमारी। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से इसका मिडल लेंगे। 24 का हाफ होता है 12, तो 12 पे एक मार्क कर दिया, ये मेरा मिडल पार्ट हो गया। अब यहाँ से मैं 5.5 इंच पे मार्क करूँगी, तो मिडल में मैंने 5.5 को रख दिया। ये मेरी नेक के पास की ब्रॉडनेस हो गई 5.5 इंच, और इस तरफ भी 5.5 इंच। एक्चुअली तो मुझे यहाँ पे सिर्फ 8 इंचेस चाहिए था, पर जैसे मैंने आपको बताया मैं 3 इंचेस हर किसी में ज़्यादा ले रही हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पे बटन पट्टी बनानी है। अब देखिए, ऊपर से 5 इंच पे एक और मार्क करेंगे। ये मार्क कर दिया है मैंने 5 इंच पे। यहाँ पे मैं 6.5 इंच पे मार्क करूंगी, यानी टोटल 13 इंच पे। ऊपर 11 लिया था, यहाँ पे 13 ले रही हूँ मैं। धीरे धीरे थोड़ी सी ब्रॉडनेस बढ़ा रही हूँ बस। तो ये हमारा इस तरीके से शेप जा रहा है। अब इस पॉइंट से हम यहाँ तक बस शेप दे देंगे क्रॉस में, इस तरीके से। इसी तरीके से यहाँ पर भी इस तरीके से शेप दे दीजिए। ये हो गया हमारा शेप। तो देखिए, अब यहाँ तक हमने लाइन ड्रॉ की है। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारे लाइन ड्रॉ की है वहाँ पे 20 इंच पे मार्क करेंगे। तो देखिए, यहाँ पे मैं 20 इंच ले रही हूँ, क्योंकि मेरे कमर के पार्ट के लिए 20 इंचेस काफ़ी है। तो यहाँ पे मैं 20 इंच पे मार्क कर रही हूँ। अब चलिए यहाँ से शेप देना शुरू करते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर हम शेप देंगे, बिल्कुल फ्री हाथ से आप इसे शेप दे सकते हैं अपने हिसाब से, थोड़ा सा कर्व। इसी तरीके से इस साइड पे भी हम शेप दे देंगे, हमने जहाँ तक मार्क किया है। अब देखिए, इतना होने के बाद अब हम स्कर्ट का थोड़ा सा शेप देंगे ताकि इसका लुक अच्छा आए। तो बस मैं इसी लाइन को इस तरीके से क्रॉस में थोड़ा सा एक्सटेंड कर रही हूँ। इसी तरीके से यहाँ पर भी इसे थोड़ा सा एक्सटेंड कर लीजिए और आपका स्कर्ट तैयार हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने डंगरी का शेप दिया हुआ है। अब देखिए, मैं इसे कट कर रही हूँ, जैसे हमने ड्रॉ किया है बिल्कुल वैसे ही मैं इसको कट कर लूँगी। ध्यान रखिए, ये जो हमने लाइन ड्रॉ की है बीच में वो सिर्फ मार्किंग के लिए है, हमें सिर्फ आउटर लाइंस कट करनी है। ये देखिए, हमारे दोनों पार्ट कट हो गए हैं, फ्रंट का और बैक का। अब बटन तो हम सिर्फ फ्रंट पार्ट में लगाने वाले हैं। तो 3 इंच जो हमने सारा लिया हुआ है वो सिर्फ फ्रंट के लिए है, तो बैक में वो 3 इंच ज़्यादा होगा, उसका क्या करना है हम आपको वीडियो में आगे बताते जाएंगे। अब देखिए, बैक के पार्ट में जो चेंज करना है वो देख लेते हैं हम। तो इसे बस मैंने इस तरीके से बैक का पार्ट लिया है, ऊपर से हम मार्क करेंगे 5 इंच पे। ध्यान रखिए, ये सिर्फ मैं बैक के पार्ट में कर रही हूँ, ये 5 इंच पे मार्क किया मैंने। तो ये सेंटर से मैंने 5 इंच पे मार्क कर दिया, ये मेरी 5 इंच की लेंथ है। अब यहाँ से मुझे ब्रॉडनेस चाहिए 4 इंच की, तो मैं 2-2 इंचेस पे दोनों साइड पे मार्क करूँगी इस तरीके से। ये हो गया मेरा यहाँ पर भी और यहाँ पर भी 4 इंचेस।
चलिए अब इसे शेप दे देते हैं। तो इस तरीके से यहाँ से हम एक्सटेंड करेंगे नीचे तक। इसी तरीके से इस तरफ भी इसे एक्सटेंड कर लीजिए। थोड़ा सा कर्व लेते हुए क्रॉस लाइन ड्रॉ की है मैंने। देखिए यही शेप है हमें जो चाहिए था। चलिए अब इसे भी कट कर लेते हैं। इसको कट करते हुए ध्यान रखना है आपको कि आप सिर्फ बैक में ही ये कटिंग करें, फ्रंट में ना करें। तो पहले तो ये पार्ट मैंने बिल्कुल ही सेपरेट कर लिया। अब मैं इसे शेप को दूंगी। ये शेप हमने सिर्फ स्कर्ट जहाँ से हमारा शुरू होता है वहीं तक दिया हुआ है, उसके आगे नहीं जाना है हमें। तो ये शेप हमने इस तरीके से कट कर लिया है। तो देखिए ये पीछे का शेप भी हमारा हो गया है और ये हमारा इस तरीके से फ्रंट का शेप भी हो गया है। तो देखिए ये है वो दो शेप, फ्रंट का और बैक का, जो हमने कट किया हुआ है। अब चलिए हमें और एक कटिंग करनी है। जैसे मैंने बताया कि मैं बीच में बटन्स लगाने वाली हूँ, तो मैं यहाँ से इसे हाफ करूँगी क्योंकि यहाँ पे हम बटन्स लगाएंगे। तो इस तरीके से मैंने इसको अच्छे से डबल फोल्ड किया हुआ है, बिल्कुल सेंटर से करना है आपको। अब देखिए सेंटर हो गया है। हम सेंटर से पूरी लेंथ में इसको हाफ कर देंगे कट करके इस तरीके से। अब देखिए हमने दो हिस्से कर दिए इसके। अब हम बटन पट्टी बनाएंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, बिल्कुल ही सिंपल है। पहले एक थोड़ा सा फोल्ड कीजिए इस तरीके से, फिर एक बड़ा सा फोल्ड कर दीजिए इस तरीके से, और इस तरीके से पूरी लेंथ में सिलाई लगा दीजिए। बिल्कुल वैसा ही आपको यहाँ पर भी रिपीट करना है। ये देखिए हमने बटन पट्टी फोल्ड कर ली है। चलिए अब इसको एक के ऊपर एक ओवरलैप करेंगे क्योंकि बटन तो ऐसे ही आएंगे हमारे। तो ये है वो एक्स्ट्रा पार्ट बैक का जो हमारा बच गया है, क्योंकि हमने यहाँ पे 3 इंचेस एक्स्ट्रा लिया था। तो अब बारी आती है इसे कट करने की। तो चलिए पहले इसे ड्रॉ कर लेते हैं और फिर इसे कट कर लेंगे एक्स्ट्रा पार्ट को। आप चाहे तो सीधा भी इसे कट कर सकते हैं। देखिए हमने दोनों तरफ से इक्वल डिस्टेंस रखा है। चलिए अब इसे कट कर लेते हैं। तो चलिए दोनों हिस्से सेम कट हो गए। अब हम बॉर्डर फोल्ड करते हैं। तो देखिए ये जो हमारा राउंड शेप हमने थोड़ा दिया हुआ है वहाँ पर इस तरीके से डबल फोल्ड कर लीजिए और सिलाई लगा दीजिए। ये फोल्ड बस आपको यहाँ तक करना है, यहाँ से तो हमारे स्कर्ट की फिटिंग हो जाएगी। इसी तरीके से यहाँ पर भी करना है, और ये जो हमने ऊपर रखा हुआ है यहाँ पर भी आपको इस तरीके से डबल फोल्ड करना है और सिलाई लगा देनी है। इस तरीके से दोनों पार्ट पे सिलाई लगा दीजिए बॉर्डर फोल्ड करके। उसी तरीके से आपको यहाँ पर भी बॉर्डर फोल्ड करनी है। तो इस तरीके से इसे डबल फोल्ड कर लीजिए और सिलाई लगा दीजिए पूरी ब्रॉडनेस में। इसी तरीके से बैक का पार्ट भी तैयार कर लीजिए। देखिए बॉर्डर फोल्ड कर ली है। अब देखिए ये हमने एक के ऊपर एक ओवरलैप किया है, बटन पट्टी है ये इस तरीके से, और उसके ऊपर ये हमारा बैक का पार्ट रखा हुआ है हमने। अब हमें सिलाई लगानी है। तो देखिए यहाँ से जहाँ से हमारी जॉइनिंग शुरू हो रही है वहाँ से नीचे तक बस 1-1 इंच के डिफरेंस पर सिलाई लगा दीजिए। इसी तरीके से यहाँ से भी नीचे तक आप सिलाई लगा दीजिए तो आपका स्कर्ट बन जाएगा नीचे का। ये देखिए हमने जॉइन कर लिया है नीचे का स्कर्ट। अब बारी आती है ऊपर का बेल्ट बनाने की। तो देखिए बेल्ट बनाने के लिए मैंने 17 इंचेस लॉन्ग बेल्ट लिया हुआ है बचे हुए कपड़े में से। मुझे 15 चाहिए 1-1 इंच दोनों तरफ सिलाई के लिए, और ये 2.5 इंच इसकी ब्रॉडनेस है। तो चलिए देखते हैं इसे कैसे बनाते हैं बेल्ट को। तो दोनों बॉर्डर को हल्के से छोटी छोटी फोल्ड कीजिए इस तरीके से, और फिर दोनों को मिला लीजिए। इस तरीके से मिला के आप पूरी लेंथ में सिलाई लगा दीजिए, आपका बेल्ट तैयार हो जाएगा। इसी तरीके से आपको दूसरा भी तैयार करना है। अब देखिए ये बेल्ट हमने तैयार कर लिया है। अब चलिए इसे अटैच करते हैं। तो यहाँ पर हम इस तरीके से बैक साइड पे उसको लगाकर सिलाई लगा देंगे। यहाँ अच्छे से लॉक लगा दीजिए ताकि आपकी सिलाई निकले ना। इसी तरीके से इसको यहाँ पर लगाएंगे। इसके बाद उसका जो दूसरा एंड है हम बैक में लगाएंगे। ये देखिए हमने बेल्ट लगा दिया है यहाँ पर। तो चलिए अब बैक साइड पे ये बेल्ट लगाते हैं। तो देखिए हम इसमें क्रॉस करने वाले हैं। तो यहाँ का जो राइट साइड है उसे लेफ्ट में लगाएंगे, और लेफ्ट वाला हम राइट में लगाएंगे। इस तरीके से क्रिस क्रॉस करेंगे इसे, और फिर यहाँ पर अच्छे से सिलाई लगा दीजिए। तो देखिए बन गई है हमारी डंगरी। इसे आप कोई भी टी शर्ट के साथ पेयर करिए, बहुत ईजी था इसे बनाना, ज़रूर ट्राई करें। ये है हमारा बैक का पार्ट भी। तो देखिए तैयार हो गई है डंगरी, इसे आप ज़रूर ट्राई करें। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच हमारा वीडियो देखने के लिए। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।